अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक। और आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त लज़ानिया की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इस रेसिपी की कि आप ज़रूर लज़ानिया सिखा दें, तो मैंने कहा चलें आज आप लोगों के साथ लज़ानिया की रेसिपी शेयर कर लेते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों की ये लज़ानिया की रेसिपी कैसी बनी। होममेड ही सब चीज़ें हम लोग यूज़ करेंगे, वाइट सॉस, रेड सॉस और लज़ानिया की फिलिंग्स वगैरह। बस लज़ानिया की शीट्स जो है वो हम लोगों ने बाहर से ली हैं। बाकी है कि इसको हम विदाउट ओवन बेक करेंगे और हम इसको पतीले में बेक करेंगे ताकि आप लोग इजीली इसको घर में ट्राई कर सकें। और ये ज़रूर ज़रूर मस्ट ट्राई रेसिपी है। इससे पहले आप लोग रेसिपी को पूरा वॉच कीजिएगा और सब्सक्राइब है अनिका किचन, वॉच फुल वीडियोस, थम्स अप द वीडियोस। चलें चलते हैं अपनी लज़ानिया की शीट्स बॉयल करने की तरफ। लज़ानिया बनाने के लिए सबसे पहले हमें लज़ानिया शीट को बॉईल करना है। सबसे पहले मैंने एक पतीली में पानी ले लिया है और पानी को मैंने एक चम्मच नमक डाल के बिल्कुल बॉईल कर लिया। और अब मैं यहाँ इसमें लज़ानिया शीट ऐड करूँगी। लज़ानिया शीट जो है वो आपकी बॉईल होनी चाहिए और इसको बॉईल करने के लिए हमें पहले से पानी को गर्म करना है। यहाँ मैंने अपनी लज़ानिया शीट्स ऐड कर दी हैं और जब हमारी लज़ानिया शीट्स अच्छी तरह से बॉईल हो जाएंगी तब हम इसका पानी डिस्कार्ड करके इसको साइड पर रख लेंगे। लज़ानिया शीट्स को आप लोगों को बिल्कुल मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको बॉईल करना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे बॉईल नहीं करना। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमें लज़ानिया शीट्स को बॉईल करना है। लज़ानिया हम चिकन के कीमे के साथ बना रहे हैं। यहाँ हमारा कीमा रेडी है, हमने बोनलेस चिकन ले लिया था और इसका घर में हमने खुद कीमा बनाया है चोपर में और ये बिल्कुल रेडी है हमारा लज़ानिया में यूज़ करने के लिए। आप लोग देख सकते हैं हमारी लज़ानिया शीट्स यहाँ बॉईल हो चुकी हैं और अब हम इसको एक साइड पर रख देंगे और अपना लज़ानिया का मिक्सचर रेडी करेंगे। सबसे पहले हमें लज़ानिया बनाने के लिए हम अपना वाइट सॉस रेडी करेंगे। वाइट सॉस रेडी करने के लिए मैंने यहाँ एक पैन ले लिया है और पैन में यहाँ 2 टेबलस्पून बटर ऐड कर रही हूँ। बटर हमारा थोड़ा सा मेल्ट होगा तब मैं इसमें मैदा ऐड करूँगी। पहले हमें सॉसेस रेडी कर लेनी है अपने मज़ेदार सा लज़ानिया बनाने के लिए। हम पहले वाइट सॉस रेडी करेंगे और फिर रेड सॉस रेडी करेंगे। यहाँ पर हम लोग वाइट सॉस रेडी कर रहे हैं। 2 टेबलस्पून मैंने बटर ऐड कर दिया है। अगर आप लोगों के पास बटर नहीं है तो आप लोग इसमें घी या ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ बटर लिया है। अब ये बटर हमारा मेल्ट होगा तब मैं इसमें मैदा ऐड करूँगी। बटर हमारा मेल्ट हो रहा है। बटर मेल्ट होने के बाद हम यहाँ इसमें 1 टीस्पून गार्लिक ऐड कर देंगे। चॉप्ड हुआ हुआ हमारा गार्लिक ऐड हो गया। मैं इसको थोड़ा मिक्स करूँगी। उसके बाद मैं यहाँ 2 टेबलस्पून मैदा ऐड करूँगी। यहाँ हमारे लहसुन फ्राई होने की बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब मैं यहाँ अपना 2 टेबलस्पून छना हुआ मैदा ऐड करूँगी वाइट सॉस बनाने के लिए। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून मैदा ऐड कर दिया है और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्सअप करेंगे, भूनेंगे अच्छी तरह से मैदे को। कोई लम्स नहीं रहना चाहिए हमारे मैदे में। और मैदा ऐड करने के बाद अच्छी तरह से भूनने के बाद मैं इसमें 1/2 कप मिल्क ऐड करूँगी। मिल्क आप लोग कोई सा भी ले सकते हैं, डब्बे का या गाय का, कोई सा भी आप लोग मिल्क ऐड करिएगा। इसमें 1/2 कप वाइट सॉस रेडी हो जाएगा हमारा मज़ेदार सा। अब यहाँ हम अपने वाइट सॉस में मिल्क ऐड कर रहे हैं। 1/2 कप मैंने मिल्क ऐड कर दिया है। अब मैं इसको यहाँ मिक्सअप कर रही हूँ और अच्छे तरीके से पका रही हूँ। यहाँ मिल्क ऐड करने के बाद वाइट सॉस में मैं 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करने के बाद मैं यहाँ वाइट पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून शामिल कर रही हूँ और इसके बाद हमारा ये 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर चला जाएगा। 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड करने के बाद अब मैं यहाँ इसको मिक्सअप करूँगी अपने वाइट सॉस को। यहाँ हमारा वाइट सॉस बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब हम इसको साइड पर रख लेंगे और अपना रेड टोमेटो सॉस जो है वो लज़ानिया के लिए रेडी करेंगे। अब बारी आती है जनाब हमारे रेड सॉस की कि हमें रेड टोमेटो से उस कैसे बनाना है लज़ानिया के लिए। यहाँ मैंने पैन जो है वो रेडी कर लिया है अपना। इसमें अब मैं 2-3 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। 2-3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करने के बाद मैं यहाँ अपना गार्लिक ऐड करूँगी। गार्लिक ऐड करने के बाद मैं इसमें 1 चॉप की हुई अनियन ऐड करूँगी। गार्लिक हमारा 1 टेबलस्पून है चॉप्ड हुआ हुआ, ये हमने ऐड कर दिया। यहाँ हमारा खुशबूदार मज़ेदार गार्लिक सौते हो रहा है ऑयल में और अब यहाँ मैं इसमें ऑयल के बाद गार्लिक ऐड करने के बाद अनियन ऐड कर रही हूँ। अनियन आप लोग किसी भी शेप में ले सकते हैं। यहाँ मैंने स्लाइस की हुई अनियन ली है, एक प्याज ले ली है मैंने। अब मैं इसको इसमें सौते करूँगी अच्छी तरह से। यहाँ हमारी प्याज सॉफ्ट हो चुकी है। मैं यहाँ 1 मीडियम साइज़ का मैंने टोमेटो ले लिया था, इसका छिलका उतार लिया था, उसको मैंने चॉप कर लिया है। यहाँ मैंने अपने रेड टोमेटो सॉस में ये ऐड कर दिए हैं। 1 मीडियम साइज़ का टमाटर मैंने छिलका उतार कर इसको चॉप कर लिया था। अब मैंने यहाँ प्याज में ये ऐड कर दिया है। इसको हम अच्छी तरह से इसके साथ मिक्सअप करेंगे।
टोमेटोज ऐड करने के बाद मैं यहाँ हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ अपने रेड सॉस में। और अब हम अच्छी तरह से अपने प्याज और टमाटर को पकाएंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अब यहाँ अपने दो मीडियम साइज़ का हमने टमाटर का पेस्ट बना कर रखा है, टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे अब हम अपने टोमेटो सॉस में। यहाँ दो मीडियम साइज़ का मैंने टमाटरों का पेस्ट बना लिया था, अब हमने इसमें ये ऐड कर दिया है। और अब हम इसको मिक्सअप करेंगे और मज़े से अपना टोमेटो सॉस रेडी करेंगे, पकाएंगे। मिक्सअप कर रहे हैं हम इसको। और अब यहाँ हम इसमें बाकी के स्पाइसेस ऐड करते हैं। यहाँ हम इसमें अब रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। रेड चिली फ्लेक्स हमारे पास 1 टीस्पून है, हमने ये ऐड कर दी। अब हम इसको मिक्सअप करेंगे। इसके बाद हम रेड सॉस में अपना रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हमने रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है, थोड़ा स्पाइसी सा अपना लज़ानिया बनाने के लिए। अब हम इसको कवर कर देंगे। अब बारी आती है जनाब, यहाँ हमारा रेड सॉस भी बिल्कुल रेडी हो चुका है बनके। अब हम यहाँ पर अपने चिकन की कीमे की फिलिंग रेडी करेंगे। चिकन के कीमे की फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करने के बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है। अब मैं यहाँ इसको अच्छी तरह से भूनूंगी। जिंजर गार्लिक पेस्ट हल्का सा सोते होने के बाद, अच्छी सी खुशबू आने लगने के बाद, हम यहाँ 300 ग्राम चिकन का कीमा ऐड कर देंगे। 300 ग्राम हमने चिकन का कीमा ऐड कर दिया है यहाँ पर। अब मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी चिकन के कीमे का, जब तक कलर वाइट नहीं हो जाएगा तब फिर इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ हमारे चिकन के कीमे का कलर जो है वो टर्न हो चुका है वाइट हो चुका है। अब यहाँ हम इसमें जीरा कूटा हुआ और भुना हुआ रोस्टेड 1 टीस्पून शामिल कर रहे हैं। और यहाँ ब्लैक पेपर पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून, ये हम ऐड कर रहे हैं। और अब हम इसको भूनेंगे, मिक्सअप करेंगे। यहाँ हमारा कीमा अच्छे तरह से मसालों के साथ कुक हो रहा है। अब हम यहाँ इसमें 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड कर रहे हैं। 1 टीस्पून चिकन पाउडर, फ्लेवर्स जो है वो आप लोग अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये आप लोगों के टेस्ट के ऊपर मुनसर करता है कि आप लोग कितना स्पाइसी और कितना लाइट खाते हैं। आप लोग अपने फ्लेवर के हिसाब से टेस्ट जो है वो सेट कर सकते हैं। अब यहाँ हम रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब हम यहाँ इसमें रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून ऐड कर रहे हैं और 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। अब हम इसको मिक्सअप करेंगे और हमारा मज़ेदार चिकन का कीमा लज़ानिये के लिए बिल्कुल रेडी हो रहा है। यहाँ हमारा वाइट सॉस भी रेडी है लज़ानिया के लिए, यहाँ हमारा चिकन का कीमा भी रेडी है, और यहाँ हमारा रेड सॉस भी रेडी है। और यहाँ हमने अपनी चेडर एंड मोज़रेला चीज़ भी जो है वो श्रेड करके रख ली है। और यहाँ हमारी लज़ानिया शीट भी बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ हमने एक सांचा ले लिया है, आप लोग चाहें तो कोई सा भी, मतलब कि बड़े साइज़ का भी ले सकते हैं। हम लोगों ने ये वाला सांचा लिया है। और अब हम इसको जो है सबसे पहले ऑयल से ग्रीस कर लिया है, हमने 1 टेबलस्पून ऑयल से इसको ग्रीस कर लिया है। और अब हम इसमें सबसे पहले टोमेटो पेस्ट जो हमने टोमेटो सॉस बनाया था वो ऐड कर देंगे। टोमेटो सॉस अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद हम इसके ऊपर लज़ानिया शीट रखेंगे। चारों तरफ हम इसको इक्वली स्प्रेड कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर लज़ानिया शीट अपनी स्प्रेड करेंगे। यहाँ लज़ानिया शीट हमने स्प्रेड कर ली हैं। अब हम इसके ऊपर वाइट सॉस लगाएंगे। वाइट सॉस आप लोग देख सकते हैं कितना क्रीमी, कितना ज़बरदस्त लुक आ रहा है इसका। अब यहाँ वाइट स्प्रेड करेंगे हम अपने लज़ानिया शीट्स पर। वाइट सॉस स्प्रेड करने के बाद अब हम यहाँ चिकन का कीमा जो हम लोगों ने रेडी करके रखा हुआ था ये स्प्रिंकल करेंगे। और इसके बाद हम चीज़ स्प्रेड करेंगे जो हमने चेडर एंड मोज़रेला चीज़ स्प्रेड करके रखी हुई थी, उसको हम इस पर स्प्रिंकल कर देंगे। आप लोग चाहें तो चीज़ की जगह, मतलब कि चीज़ ना भी डालें, क्योंकि वाइट सॉस जो है ये हमारा इतना क्रीमी है कि इसको डालने से ही हमारा चीज़ी लुक आएगा। हम लोगों के पास चीज़ अवेलेबल थी तो हम लोग चीज़ ऐड कर रहे हैं। अगर चीज़ अवेलेबल नहीं है आपके पास तो आप सिर्फ वाइट सॉस भी ऐड कर सकते हैं। अब यही जो हम लोगों ने लेयरिंग का प्रोसेस है यही दोबारा करना है। दोबारा से हम टोमेटो सॉस जो हमने रेडी करके रखा था, टोमेटो पेस्ट, वो ऐड करेंगे और इसको भी स्प्रेड करेंगे। नहीं देंगे।
रेड सॉस स्प्रिंकल कर दी है। रेड सॉस के बाद हम दोबारा से अपनी लज़ानिया शीट एक एक उठाकर इसके ऊपर लेयरिंग करते जाएंगे। यही प्रोसेस हम लोगों ने दोबारा लेयरिंग का करना है। अभी हमने यहाँ पर लज़ानिया शीट लगा दी हैं। लज़ानिया शीट के बाद हम दोबारा से वाइट सॉस ऐड करेंगे। अब हम इसके ऊपर वाइट सॉस ऐड करेंगे। वाइट सॉस देखें आप लोग कितनी क्रीमी टेक्सचर है इसका, कि आप लोगों को चीज़ ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वाइट सॉस ऐड करने के बाद हम यहाँ पर अपना चिकन का कीमा जो हम लोगों ने लिया था वो डालेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर चीज़ की लेयर लगाएंगे। चीज़ की लेयर लगा आप लोग देख सकते हैं यहाँ हमारी लेयरिंग जो है लज़ानिया की वो कंप्लीट हो चुकी है। सबसे पहले हम लोगों ने टोमेटो सॉस लगाया। सबसे पहले तो हमने इसको ग्रीस किया था 1 टीस्पून ऑयल के साथ। उसके बाद हमने टोमेटो सॉस जो रेडी किया था वो लगाया। उसके बाद हमने लज़ानिया शीट लगाई। उसके बाद वाइट सॉस लगाया। उसके बाद चिकन का कीमा जो बनाया था वो लगाया। उसके बाद हम लोगों ने चीज़ जो चेडर और मोज़रेला ली थी वो स्प्रिंकल की। उसके बाद हमने इस प्रोसेस को 3 बार रिपीट किया, 3 दफ़ा लेयरिंग किया हम लोगों ने इसमें, और ऊपर से हम लोगों ने रेड चिली फ्लेक्स जो है वो स्प्रिंकल कर दिया। अब ये हमारी लेयरिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है लज़ानिया की। अब ये रेडी है बिल्कुल बेक होने के लिए। मैं इसको आपको चूल्हे पे ही बेक करके दिखाऊंगी पतीले में, किस तरह से बगैर ओवन के हम घर पे आसानी लज़ानिया बनाकर रेडी कर सकते हैं। या हमारा लज़ानिया बिल्कुल अब बेक के लिए रेडी है। चलें चलते हैं इसको बेक करने की तरफ। स्टेज पर आप लोग चाहें तो इसके ऊपर ऑलिव भी लगा सकते हैं, आप लोग चाहें तो इसके ऊपर मशरूम्स भी लगा सकते हैं, जो भी आप लोगों को वैरायटी अच्छी लगे। मैंने यहाँ पर सिर्फ रेड चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल की है। यहाँ हमारा पतीला पहले से ही प्रीहीट हो रहा था, इसमें मैंने स्टैंड रख दिया। मैं इसमें अपने लज़ानिया का जो है वो रखूँगी सांचा। यहाँ हम लोगों ने लज़ानिया का सांचा रख दिया है और अब हम इसको 40 to 45 मिनट के लिए बेक करेंगे। इसके ऊपर हमने वेट रख दिया है और हमने हमारी जो फ्लेम है वो बिल्कुल मीडियम टू स्लो है, और अब हो सकता है ये 30 मिनट में भी बेक हो जाए। 30 मिनट इसके 30 पूरे हो जाएंगे तो हम इसको फिर 30 मिनट बाद चेक करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं अपना ज़बरदस्त लज़ानिया। यहाँ आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त हमारा लज़ानिया बेक हो चुका है। 30 मिनट्स के अंदर अंदर मैंने इसको अब डिश आउट कर लिया है और अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। बहुत ज़बरदस्त लुक आई है हमारे लज़ानिया की, आप लोग देख सकते हैं होममेड लज़ानिया है ये, बहुत ही ज़बरदस्त। आप लोगों को लज़ानिया कट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही ज़बरदस्त लेयरिंग आई है हमारे लज़ानिया की, क्या लुक आई है और क्या टेस्ट है, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। आप लोग देख सकते हैं हमारे लज़ानिया की लेयर्स कितनी ज़बरदस्त बनकर रेडी हुई हैं। ये देखें बहुत ही चीज़ी बहुत ही सॉसी सा हमारा लज़ानिया बनकर रेडी हुआ है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में। दुआ में याद रखिएगा। सब्सक्राइब मालिका किचन, थम्स अप द वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।